कल के दिन देश भर में ईद मनाया गया और ऐसे मौके पर एक तरफ जहां शाहरुख खान अपनी बालकनी में मौजूद थे हर साल की तरह अपने फैंस से रूबरू होने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान मौजूद नहीं थे। जी हां, वेल ईद के इस मौके पर इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ने तो फैंस को अपनी झलक दे दी, लेकिन सलमान खान फैंस से इस त्योहार पर नहीं मिले। ऐसे में हर बार की तरह अभी भी जनता जो है वो इसी इंतजार में है कहीं ना कहीं कि सलमान आखिर कब आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमान खान के सामने ना आने की वजह सामने आई है। जी हां, दरअसल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की एक झलक पाने के इंतजार में हजारों लोग अभिनेता के घर के बाहर जमा हुए थे। सलमान हर बार ईद के मौके पर घर के बाहर आकर फैंस से रूबरू होते हैं, ईद की मुबारकबाद भी देते हैं अपनी बालकनी में आकर। लेकिन इस बार सल्लू भाई के फैंस इंतजार ही करते रह गए, लेकिन उन्हें कोई भी दर्शन नहीं मिले। वेल, रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि सलमान को लेकर पिछले काफी वक्त से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनकी जान को खतरा है और इस तरह की कई चीजें। जी हाँ, अभिनेता ने हाल ही में हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमेशा से चल रही इस परंपरा को तोड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई से मिली जान से मारने की धमकी को देखते हुए सलमान ने सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सूत्र से जानकारी मिली है कि सुरक्षा कारणों से सलमान खान ने अपार्टमेंट के पास 10 स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं ताकि इस भीड़भाड़ में कोई आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। वेल, सलमान खान ने अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा और कहीं ना कहीं यही हम सब के लिए बेहतर है। आपको इस पर क्या है कहना, बताइएगा जरूर।